वर्ष 2012 में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण 3 धरबाला में हुए पानी के रिसाव के कारण चंबा के गांव मोखरी, सुगाड़ी और चूड़ीपुल के कई लोग घरों से विस्थापित हो गए थे, लेकिन आज तक इन विस्थापितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। अपनी इसी समस्या को लेकर क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त चंबा से मिला और इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन पत्र राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा, जिसमें उन्होंने उनके पुनर्वास की मांग को उठाया है। चंबा के गांव मोखरी, सुगाड़ी व चूड़ीपुल के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर की अगुवाई में उपायुक्त चंबा से मिला। लोगों का कहना है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण 3 धरबाला का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूरा किया गया था और जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हुआ और टनल में पानी भरना शुरू किया गया तो टनल में भारी मात्रा में पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे लोगों के घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। लोगों ने कहा कि इसके बाद एनएचपीसी द्वारा घरों का अधिग्रहण कर ग्रामीणों को तो विस्थापित कर दिया गया, लेकिन ग्रामीणों का पुनर्वास नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें जो मुआवजा दिया गया है वो काफी कम है, जिससे ना तो वे जमीन खरीद सकते हैं और ना ही घर बना सकते हैं। इसे लेकर लोगों द्वारा एक ज्ञापन पत्र उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसमें लोगों ने पुनर्वास की मांग को उठाया है। लोगों की समस्या के बारे में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने बताया कि इस पानी के रिसाव के कारण लोगों के घर और दुकानें नष्ट हो गई थीं, लेकिन एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा इन घरों और दुकानों के बदले उनका पुनर्वास नहीं किया जा रहा है। ललित ठाकुर ने बताया कि आज के इस युग में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा मुआवजा लोगों के लिए बेहद कम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि एनएचपीसी प्रबंधन उनकी जमीन के बदले उन्हें जमीन दे, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन चमेरा 3 गांव मोखरी का जो वहां परियोजना में अधिग्रहण किया गया उस संबंध में हम यहाँ उपायुक्त महोदय से ज्ञापन देने आए हैं। वर्ष 2012 में जब चमेरा 3 का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो जैसे ही उनकी टनल भरी सरसाव की वहाँ से रिसाव होना शुरू हुआ, उसमें हमारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए, ज़मीनें तबाह हो गई, प्रोसेस चलता रहा। अधिग्रहण के पश्चात हमारा विस्थापन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन हमारा पुनर्वास नहीं किया। अब ये लोग कहते हैं कि आपको पैसा दे दिया, हम पैसे की पोटली लेके कहाँ कहाँ अंतर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। हमारी ये मांग है कि हमारा पुनर्वास किया जाए, हमें परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हम इनसे बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाए, एनएचपीसी के अधिकारियों से बात की जाए, तो इनका कहना है कि मामला कोर्ट में है। अरे कोर्ट में तो हमने नौकरी के लिए कर रखा कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें हमारा जो विस्थापन किया गया हमारा पुनर्वास भी किया जाए। अब आरआर प्लान हमने तो नहीं बनाया, कहते कि आरआर प्लान में ये है ये नहीं है, आरआर प्लान हमने नहीं बनाया। आरआर प्लान जनता के हित में देख के बनाना चाहिए, ना कि कंपनियों के हित में। हमारी ये मांग है कि हमारा जो विस्थापन किया गया हमारा पुनर्वास किया जाए, हमें मकान बनाने के लिए जगह दी जाए, हमारी जो दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं, हमारे जो होटल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको कहीं दुकानें दी जाए या दुकानें बनाने के लिए जगह दी जाए। प्रोजेक्ट तो इनका लीक हुआ, हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या दोष है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं और ये वहाँ ऐशो आराम करें। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।